भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन, धरने पर बैठे कुश्ती के चैंपियन, कुश्ती संघ के खिलाफ प्रदर्शन। भारत के वर्ल्ड चैंपियन और साथ ही तमाम इवेंट्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय पहलवान इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी पहलवानों का अपनी कुश्ती संघ के खिलाफ ये प्रदर्शन है। सभी पहलवान अपनी एक मांग को लेकर जंतर मंतर पर बैठे हैं, जिसमें पहलवानों का रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ प्रदर्शन है। साथ ही सभी रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट जैसे तमाम पहलवान लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यह सभी पहलवान वहां धरने पर भी मौजूद हैं। सभी का मानना है कि अब वह सिर्फ अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और किसी भी तरीके से राजनीतिक का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। सभी को अपनी मांग को मनवाने के लिए ये प्रदर्शन करना ज़रूरी है। बता दें कि बजरंग पुनिया ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा भारत के लिए बजरंग पुनिया कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल लेकर आए। बजरंग पुनिया के अलावा साक्षी मलिक भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी। इसके अलावा साक्षी मलिक ओलंपिक्स में भी भारत के लिए मेडल जीत चुकी हैं। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के अलावा संगीता फोगाट भी वहां मौजूद हैं। इसके अलावा सरिता मोर भी वहां मौजूद है। विनेश फोगाट, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, वो भी इस वक्त प्रदर्शन में मौजूद हैं। बजरंग पुनिया ने सबसे पहले ट्वीट करते हुए लिखा कि हैशटैग जंतर मंतर, जहां उन्होंने पहलवानों की कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें पहलवान तिरंगे झंडे के साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खिलाड़ी पूरी मेहनत करके देश को मेडल दिलाता है, लेकिन फेडरेशन ने हमें नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया है। मनचाहे कायदे कानून लाकर खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हैशटैग बायकॉट WFI प्रेसिडेंट। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने अगला ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि फेडरेशन का काम खिलाड़ियों का साथ देना, उनकी खेल की ज़रूरतों का ध्यान रखना होता है। कोई समस्या हो तो उसका निदान करना होता है, लेकिन अगर फेडरेशन ही समस्या खड़ी करे तो क्या किया जाए। अब लड़ना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। बजरंग पुनिया के अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए मेडल जीतने वाली अंशु मलिक ने भी ट्वीट किया, लिखा कि रेसलिंग एथलीट एट जंतर मंतर, हैशटैग बायकॉट WFI प्रेसिडेंट। साक्षी मलिक ने भी ट्वीट किया, लिखा कि खिलाड़ी पूरी मेहनत करके देश को मेडल दिलाता है, लेकिन फेडरेशन हमें नीचा दिखाने के अलावा कुछ काम नहीं कर रही है। उन्होंने भी बजरंग पुनिया वाले ट्वीट वाली बात लिखी और लिखा कि कायदे कानून लाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। संगीता फोगाट की तरफ से भी ट्वीट किया गया। पहलवान ने लिखा कि खिलाड़ी आत्मसम्मान चाहता है, पूरी शिद्दत के साथ ओलंपिक और बड़े खेलों के लिए तैयारी करता है, लेकिन अगर फेडरेशन उनका साथ ना दे तो मनोबल टूट जाता है, लेकिन अब हम नहीं झुकेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। पहलवान सरिता मोर ने भी ट्वीट किया, लिखा कि खिलाड़ी आत्मसम्मान चाहता है, ओलंपिक के लिए जब वो मेहनत करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने आत्मसम्मान के लिए लड़े और अब हम झुकने वाले नहीं हैं। इसके अलावा विनेश फोगाट ने भी आत्मसम्मान वाला ट्वीट लिखा और PM मोदी को भी अपने ट्वीट में, अमित शाह को भी अपने ट्वीट में टैग किया। इसके अलावा आपको बता दें कि बजरंग पुनिया और तमाम पहलवानों के द्वारा चलाए गए हैशटैग बायकॉट WFI प्रेसिडेंट हैशटैग को लगातार यूज़ करके ट्वीट किए जा रहे हैं। फैंस अब पहलवानों के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी पहलवान अपने फेडरेशन और उसके प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि पहलवानों की आखिरकार मांग क्या है, क्या आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस तरीके से फेडरेशन पर आरोप हैं और क्या कुछ मांगे अभी पहलवानों की बाकी है। बहरहाल इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन, भारत के चैंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स में भारत के झंडे को ऊंचा करने वाले पहलवान सड़क पर बैठकर, जंतर मंतर पर बैठकर फेडरेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर की लगातार अपडेट आप तक जारी रहेगी, लेकिन आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।